झारखंड सरकार ने रांची में हुए हिंसा की घटना की को जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी की गठित कर दिया है। और वहीं पर इसको लेकर के आज दूसरे दिन भी रैफ के जो जवान हैं वो सड़कों पर फ्लैग मार्च करते हुए दिख रहे हैं। जिस तरीके से दो दिन पहले ये घटना हुई थी और ये बड़ा हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ था, इसको लेकर के अब रांची पुलिस जिला प्रशासन जो है खासतौर पर अलर्ट मोड पर है और फ्लैग मार्च लगातार मेन रोड में किया जा रहा है ताकि दोबारा कोई भी उपद्रव ना हो पाए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आज सुबह की मेन रोड से, जहां पर ये हिंसक घटना हुई थी और कई लोग इस हिंसक विरोध में घायल भी हो गए थे, पुलिसकर्मी भी इस विरोध में घायल हुए थे। और साथ ही जिले की डीसी ने सभी लोगों से शांति रखने की अपील की है और कहा है कि लोग सतर्कता बरते हुए अपने घरों में ही रहे। बता दें कि अभी तक जो मेन रोड का इलाका है वहां पर धारा 144 लागू रखी गई है। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी नीरज। नीरज, अब दूसरा दिन, आज दो दिन हो चुका है इस पूरी घटना को, उसके बाद अब ताजा क्या कुछ अपडेट है? नीरज, आपसे दोबारा सवाल करना चाहूंगी कि दो दिन हो चुके हैं इस हिंसक घटना को, उसके बाद से लगातार जो रैफ के जवान हैं वहां पर फ्लैग मार्च कर रही है, जो पुलिस है चौक चौराहा हर चौक चौराहों पर अलर्ट मोड पर दिख रही है, तो क्या कुछ अपडेट्स इसे लेकर? देखिए प्रभा, कल भी पुलिस ने फ्लैग मार्च किया गया था पुलिस के द्वारा और बहुत सारे जो सेंसिटिव जोन्स है वहाँ पर रैफ की तैनाती की गई थी, साथ ही एटीएस की बल की तैनाती गई थी, जैप के बल तैनात थे, साथ ही जो झारखंड पुलिस के जवान हैं उनको तैनात किया गया था। और आज भी राजधानी रांची में एसएसपी के नेतृत्व में और जिला प्रशासन के जो विभिन्न पदाधिकारी हैं उनके नेतृत्व में विभिन्न जगहों पर फ्लैग मार्च किया गया और जिसमें रैफ के भी जवान तैनात हैं, साथ ही जो सेंसिटिव जोन है जहाँ पेकरा मस्जिद से लेकर अगर शहीद अल्बर्ट एक्का जोन की बात करूं तो वहां से पूरे सड़कों के पे होते हुए विभिन्न तरह के जो टीम्स है वो फ्लैग मार्च किए हुए एक संदेश देने का प्रयास किया गया है कि अब जो भी इस तरह की कार्रवाई में आगे सामने आता है और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को अपने हाथ में लेने का प्रयास करता है उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। नीरज, एक और बात है कि ये जो हिंसक विरोध प्रदर्शन था उसमें दो लोगों की मौत भी हो गई थी, साहिल और मुदस्सर जो दो नाम सामने आ रहे हैं, उसके बाद से भी कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी दिख रही है इसे लेकर के। फिर से दोहराएंगे अपने सवालों को। नीरज, मैं दोबारा पूछना चाहूंगी, इस हिंसक विरोध में दो नाम सामने आए थे साहिल और मुदस्सर का, जहां पर इसके बाद लोगों में नाराजगी भी दिख रही है इसे लेकर के। देखिए वो जो उनके पक्ष के लोग हैं उनका साफ कहना है कि पुलिस के तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े जाने चाहिए थे, लाठी चार्ज किया जाना चाहिए था, इस तरह से गोली नहीं चलाया जाना चाहिए था किसमें, क्योंकि इसमें दो लोग की मृत्यु हो गई है और कई लोग जो है अभी भी रिम्स में भर्ती है, घायल अवस्था में है जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। कल हम लोगों ने उनके परिवार वालों से भी बात की, वो काफ़ी रोष में थे और उनके जो मोहल्ले वाले थे वो भी काफ़ी गुस्से में थे। उनका साफ कहना था कि वो जब पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई है तो उसमें दो लोगों की मौत हुई है, लेकिन जब ये पूरा प्रदर्शन उग्र हुआ तो उसमें पुलिस को अलग तरीके से कार्रवाई की जानी चाहिए था, लेकिन गोली नहीं चलाया जाना चाहिए था। आखिरी बात आपसे नीरज पूछूंगी, अभी जो है दोबारा पटरी पर राजधानी रांची की जिंदगी लौट गई और दो दिनों से जो है लगातार इंटरनेट की सेवा बंद कर दी गई थी, अब इंटरनेट भी बहाल हो गई है। देखिए ये सबसे बड़ी बात थी क्योंकि राजधानी रांची में जब से ये पूरा उग्र आंदोलन हुआ उसके बाद से कहीं भय का माहौल ना पैदा हो, कहीं अफवाह ना फैल जाए, इसको लेकर जिला प्रशासन ने अपनी ओर से एहतियात बरतते हुए इंटरनेट की सेवा बंद कर दी थी। लगभग 32 से 34 घंटों के बाद जो है राजधानी रांची में इंटरनेट सेवा बहाल की गई है। हालांकि इसके वजह से काफ़ी परेशानी हुई, जो लोग वर्क फ्रॉम होम काम कर रहे थे कई ऑफिस में जो है कामें ठप हो गई, जो घर से लोग काम कर रहे थे उनके काम ठप हो गए, बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट वर्क्स थे इंटरनेट की वजह से नहीं हो पाई। हालांकि आज आपको बता दूं कि सेंट्रल लेवल का जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम है इसको लेकर जो है जिला प्रशासन ने अपनी ओर से तैयारी की है और इसको लेकर जो है इंटरनेट बहाल करना पड़ा, क्योंकि एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन तरीके से होता है और उनके साथ साथ जो बाहर से लोग यहाँ पर पहुँचे उन्हें एडमिट कार्ड डाउनलोड करना था, बहुत सारे काम थे जो इंटरनेट के बिना नहीं किया जा सकता था। नीरज, तो अब हम कह सकते हैं कि जो जितनी दुकानें लगातार अभी हमें बंद दिख रही थी, हालांकि 12 अलग अलग
जगहों पर धारा 144 लागू कर दी गई थी, लेकिन हम पूरे राजधानी रांची की बात करें तो कहीं ना कहीं डर और अफवाह भी कारण एक वजह हो सकती है कि जहां पर सभी बाजार ठप पड़े थे, दुकानें बंद थी, तो आप कह सकते हैं कि बैक टू नॉर्मल चीजें हो जाएंगी आज देखने को मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि 12 थाना क्षेत्रों में ये धारा 144 लागू किया गया, क्योंकि सेंसिटिव जोन्स उन्हीं थाना क्षेत्रों में आता है, लिहाजा इसको देखते हुए उस थाना क्षेत्र में 144 लगाया गया था और पुलिस की तरफ से सख्त हिदायत दी गई थी कि वो जो है अपने घरों में रहें, दुकानों को ना खोले, क्योंकि माहौल कभी भी बिगड़ सकता है। इस तरह से पहले भी केसेस होते रहे हैं, जिस तरह के जो अगर बात करें तो इस तरह का माहौल जब उत्पन्न होता है तो जिला प्रशासन सबसे पहले अपने ओर से ये प्रयास करता है कि जो क्षेत्र में ये पूरा माहौल पैदा हुआ है तो इसका जो असर हो दूसरों क्षेत्रों में ना देखने को मिले, इसको देखते हुए एहतियातन इस तरह की कार्रवाई की जाती है। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नीरज। और जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि अब जो पुलिस है अलर्ट मोड में, साथ ही कोशिश कर रही है जो इलाका जहां पर ये हिंसक विरोध हुआ था उसका असर दूसरे जगहों पर ना देखने को मिले, जो बाजार है अब उन्हें खोल दिया जाएगा। इंटरनेट सेवा जो 2 दिनों से बंद थी उसे अब दोबारा चालू कर दिया गया है।